नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में और मैं हूं कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल खूब चर्चा में है और चर्चा में रहने का सबसे बड़ा कारण है मोदी का अमेरिका दौरा। एक तरफ पूरा अमेरिका आज की तारीख में मोदी मोदी कर रहा है, क्योंकि मौका था हाउडी मोदी कार्यक्रम का, जब दुनिया के दो बड़े ताकतवर नेता एक मंच पर साथ खड़े थे। फिर क्या था, बड़े बड़े देश के नेता अपनी निगाहों से झांक रहे थे कि आखिर अमेरिका और भारत के बीच क्या कुछ समझौते होने वाले हैं। आशा थी और उम्मीद थी लोगों को कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच क्या होने वाला है, क्या समझौते होने वाले हैं। इसके साथ पाकिस्तान के भी कुछ लोग थे जो मोदी से एक उम्मीद लगाकर बैठे थे। क्या है पूरा मामला, कौन वो लोग थे जो मोदी से उम्मीद लगाकर पाकिस्तान में बैठे थे, और बैठे थे तो क्यों बैठे थे? जी हाँ, पाकिस्तान के कुछ नेता ने मांग की कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंध बलूचिस्तान और गिलगित बलूचिस्तान में होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन का मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने उठाएं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने भी मोदी से इंसाफ दिलाने की मांग की है। अमेरिका में सिंध फाउंडेशन के निदेशक सूफी लगहरी ने जनेवा के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सिंध में परेशानी यह है कि वहां के लोगों में डर है। सबसे बड़ी चुनौती लोगों से डर खत्म करने की है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UN में सिंध का मुद्दा उठाएं, क्योंकि भारत को अपना नाम सिंधु घाटी सभ्यता के कारण हमारे क्षेत्र से और इतिहास में मिला है। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। बलूचिस्तान के मानवाधिकार आयोग के प्रमुख ताज बलूच ने कहा कि सिंध प्रांत में स्थितियां लगातार बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे ऊपर भरोसा और नाइंसाफी कर रही है, जिससे लोग चुपचाप हैं। पहले यह सिर्फ किडनैपिंग तक सीमित था, लेकिन फिर मारो और गायब करो की नीति अपनाकर लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, और अब तो गांवों को जलाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसे नरसंहार कहते हैं। उन्होंने कहा कि UN और मानवाधिकार संस्थानों को बलूचिस्तान का और इस पे जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेना को इंसानियत के खिलाफ अपराधों से रोकना चाहिए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की छवि आतंकवाद फैलाने वाले देश की है, और अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवरी भी अमेरिका में रखे गए इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका एक विनाशकारी देश की है। उन्होंने कहा कि 2001 में तालिबान को सरकार से हटाने का बाद हमारे पास नया सफर शुरू करने का मौका था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी छवि सड़क किनारे बम लगाने वाले और आत्मघाती हमलों को अंजाम देने वाले देश की बनाई। सरवरी ने बताया कि जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान में सभाएं होती है और फंड इकट्ठा किए जाते हैं। इससे पहले बलूचिस्तान नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता अशरफ बलूच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनसे आग्रह किया था कि वह सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाएं। अशरफ बलूच ने ट्विटर पर मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बलूचिस्तान के शोषित लोगों को मत भूलिएगा, मुल्क में लोगों की आवाज बने संयुक्त राष्ट्र समेत सभी मंचों पर बलूचिस्तान का मुद्दा उठाएं। बलूच भी इंसान है और उन्हें अपनी जमीन पर आजाद रहने का अधिकार है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि छोटा वीडियो भी पोस्ट किया, इसमें उन्होंने कहा कि दो छोटे बच्चे एक साथ झंडा पकड़े हुए। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बच्चे जो झंडा पकड़े हुए हैं उसके साथ ग्राउंड में गाना गा रहे हैं, और गाना का स्वर है जीतेगा सारा इंडिया। एक और बलूचिस्तान नेता नवाब ने कहा था कि पाकिस्तान को कश्मीर और अफगानिस्तान पर कब्जा करने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए, इसके बजाय इस्लामाबाद को अपनी जमीन पर बलूचिस्तान सिंध पर फोकस करना चाहिए, जहां पर पाकिस्तानी सेना 70 सालों से उत्पीड़न कर रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में एक बड़ी रैली आयोजित की गई थी, जिसमें पाकिस्तान सेना के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। बलूच नेता ने ट्विटर पर साझा किए गए इस वीडियो में रैली में बलूच नेता पाकिस्तान सेना के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इसके अलावा ये लोग दीवार पर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखते भी नजर आ रहे थे। पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे बलूचिस्तान के लोगों ने इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र
मानव अधिकार परिषद के सामने पाकिस्तान सेना के अत्याचारों को उजागर करते हुए अपनी बात रखी थी। वरिष्ठ बलूच कार्यकर्ता करीमा बलूच ने मार्च महीने में इस मंच से एक बात को उजागर किया था कि पाकिस्तान की सेना कई दशकों से बलूच प्रांत में स्थानीय लोगों का कत्लेआम करती आ रही है। उन्होंने कहा था कि बलूच लोगों के मानवाधिकार के हो रहे उल्लंघन को रोका जाना चाहिए और अपराधियों को न्याय का सामना करवाना चाहिए। दुनिया को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और एक अंतर्राष्ट्रीय जांच इस बात पर शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान उन पर हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में सिर्फ जिनेवा में ही नहीं दुनिया के दूसरे स्थानों पर भी बलूच लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। तो ये था पूरा मामला कि किस तरह से पाकिस्तान के कुछ नेता ने मोदी से अपील की बलूचिस्तान को लेकर कि आखिर उन्हें बलूचिस्तान में क्या कुछ करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र में किन मुद्दों को उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए तो उन्होंने भी वहाँ पाकिस्तानी प्रांत को लेकर जो भी सवाल थे वो लोगों ने दागे और वहाँ भी जब हाउडी मोदी कार्यक्रम में जो लोग शामिल थे उन्होंने भी इस सवाल को उठाया कि आखिर पाकिस्तान और भारत के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारत अपने आप को आज कहाँ देख रहा है और पाकिस्तान आखिर नाकाम हरकत करने की लगातार कोशिश कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर आगे क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में बौखलाहट है वहाँ के लोग भी ये सोच रहे हैं कि इमरान खान से अब कुछ होने वाला नहीं है। बलूचिस्तानी नेता का यह मानना है कि अगर बलूचिस्तान के लोग परेशान हैं तो उनका हल सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही निकाल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो दर्शक HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।